Hello students, I am Dr. Yogesh Kumar Yadav. Today I will discuss about distribution, habits, habitat, nature of damage, life history and control of Agrotis ipsilon, which is also commonly known as Gram cutworm. Let us discuss about the Gram cutworm. अगर हम इसके common name की बात करें तो ये हमारा कहलाता है काटा, किराना, कामता, कटुआ, सुरही और इसका साइंटिफिक नेम है एग्रोटिस इप्साइलन रॉट। ये जो हमारा पेस्ट है ये ऑर्डर लेपिडोप्टेरा को बिलोंग करता है और उसकी फैमिली नॉक्टुरी जिसके अंदर हमारी मौत आती है। अगर इसके होस्ट प्लांट की बात की जाए तो इसके होस्ट प्लांट हैं कैबेज, ग्राम, पोटैटो, पी, व्हीट, टोबैको, कॉटन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, भिंडी, ड्यूसन एटसेट्रा। इस तरह से हम इसे देखें तो ये हमारा कैसा है, एक पॉलीफेगस पेस्ट है। और एक पॉलीफेगस पेस्ट का मतलब क्या होता है कि वो पेस्ट जो एक से ज़्यादा जो जिसके होस्ट प्लांट हों या जो एक से ज़्यादा प्लांट पर अटैक करता है, ठीक है। तो ऐसे हम पेस्ट को पॉलीफेगस पेस्ट कहते हैं। अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया में तो पाया ही जाता है, इसके अलावा अगर हम देखें इसे तो ये अमेरिका में, अफ्रीका में, श्रीलंका में, म्यांमार में, न्यूजीलैंड में, मलाया एंड यूरोपियन कंट्रीज में भी पाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में इसकी वजह से जो मेजर डैमेज देखने को मिला है वो आपको देखने को मिलता है यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। आइए अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ डैमेज की। जो है भारत में ये जो है जनरली आपको सर्दियों के सीज़न में देखने को मिलता है। और सर्दियों के सीज़न में देखें कि वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा पेस्ट किसी भी प्लांट पर देखने को नहीं मिलते हैं, बट ये उन पेस्ट में से एक है जो आपको सर्दियों में देखने को मिल जाता है। और बेसिकली ये जो है नुकसान पहुँचाता है हमारा रबी क्रॉप्स में। इनको कटवर्म हम इस वजह से कहते हैं कि ये जो पूरे के ये जो पेस्ट होते हैं पूरे के पूरे प्लांट को ग्राउंड से कट करके जो है उसको नीचे गिरा देते हैं, ठीक है, या जो उनकी जो ट्विग्स होती हैं उनको कट करके नीचे गिरा देते हैं। कभी कभी इनको जो है सरफेस कैटरपिलर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है जो ग्राउंड सरफेस होता है उस ग्राउंड सरफेस के थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे जो है वहाँ पर ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको हम सरफेस कैटरपिलर्स भी कहते हैं। अगर लार्वा के ज़रिए जो होने वाले डैमेज की बात करें तो जनरली ये दिन के टाइम पर लार्वा अपने छुपे हुए रहते हैं और शाम के समय जो है ये बाहर आते हैं और तब ये डैमेज कॉज करते हैं। सबसे पहले तो ये जो लीव्स होती हैं उसकी एपिडर्मिस को खाते हैं या जो फॉलन लीव्स होती हैं वो उनको खाते हैं, जो आपकी जो ग्राउंड से टचिंग कर रही हैं लीव्स उन पर भी ये चढ़ जाते हैं, वहाँ की जो है जो लीव्स हैं उनकी एपिडर्मिस को नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन जब ये लार्वा बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो उस समय देखें तो ये जो कैटरपिलर हैं, लीफ हैं, शूट हैं या इवन जो प्लांट है उसको जो है ग्राउंड लेवल से ऊपर से कट कर देते हैं, ठीक है, या जो पार्ट हमारा जो ज़मीन के नीचे भी है उसको भी कट कर देते हैं। एक्चुअली में ये जो है जो बहुत सारे प्लांट्स को ये कट करके नीचे गिरा देते हैं उतना खाते नहीं हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये देखा जाए तो हमारा लॉस ज़्यादा करते हैं और खुद कम खाते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके अटैक की बात करें तो ये अटैक हमें जो है नवंबर से फरवरी के टाइम पर इसका देखने को मिलता है। आइए हम बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट दैट इज द लाइफ हिस्ट्री की। अगर इसकी लाइफ हिस्ट्री देखें तो जैसे हम जानते हैं कि जितने भी लेप्टोप्टेरेंस हैं उनमें आपको चार स्टेजेस देखने को मिलती हैं, वो हैं एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। तो ये चार स्टेजेस यहाँ इसमें देखने को मिलती हैं। और आइए हम सबसे पहले जो है एग्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये जो एग्स ले करती हैं फीमेल, एक्चुअली में अगर फर्स्ट टाइम देखें तो ये जो हिली एरिया है वहाँ से जो प्लेन के एरिया में विंटर टाइम पर वो माइग्रेट करती हैं,
ठीक है। और यहाँ से जब जब प्लेन्स में गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो ये माइग्रेट करके वापस में हिल्स पे चली जाती हैं। जब ये माइग्रेट करके हमारी हिल्स से नीचे प्लेन्स में आती हैं तब देखें तो मेटिंग करने के बाद, ठीक है, ये एग लेइंग करती हैं। और ये जो फीमेल्स हैं जो लीव्स की अंडर साइड होती है या जो रूट बेस है वहाँ पर जो सॉयल होती है वहाँ पर एग ले करती हैं। और इनकी जो फीमेल है वो या तो सिंगली यानी कि वन बाय वन एक एग को ले करती हैं या वहाँ पर एक क्लस्टर हो सकता है 30 एग्स में। और एक फीमेल जनरली 300 से लेकर 350 एग्स ले करती हैं। ये तो कॉमन रेंज हुई हमारी 300 से 350, बट एक फीमेल दैट कैन ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स, वो हजारों एग्स दे सकती है अपनी लाइफ टाइम में, ठीक है। और ये जो एग्स हैं वो हमारे लगभग 1 mm लॉन्ग होते हैं और जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो जनरल इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 6 days है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो उस दौरान इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बढ़ जाता है और वो हो जाता है हमारा 12 से 15 दिन। अगर हम लार्वा की बात करें तो ये जो यंग लार्वा हमारे जो बाहर आते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो उनका जो पहला मील होता है वो आपका जो एग शेल होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे लार्वा बाहर आए हैं ये थोड़े से डिस्टरबेंस, अगर कोई भी किसी भी तरीके का स्लाइटेस्ट डिस्टरबेंस होता है तो वो जो जो लीफ हैं उनसे वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट स्टार लार्वा हैं वो लाइट ब्लूइश ग्रीन होते हैं कलर में और लगभग 2 mm उनका जो साइज होता है। और ये जो कैटरपिलर हैं नीचे गिरने के बाद जो है वो लूज सॉइल के अंदर जो है दिन के समय अपने आप को छुपा के रखते हैं और केवल रात के समय बाहर आते हैं। जो फुल ग्रोन हमारे कैटरपिलर होते हैं लगभग 40 से 45 मिलीमीटर इन लेंथ होते हैं, ठीक है, वो प्लम स्मूथ एंड फ्लैटन होते हैं, ठीक है, और उनका कलर जो है डल ग्रे ब्राउन होता है, ठीक है। जो कैटरपिलर हैं लगभग 21 से 36 दिन के अंदर जो है फुल ग्रोन हो जाते हैं और उसके बाद ये पीपा बनते हैं। और पीपा बनने के लिए एक जो इनका जो सबसे लास्ट इंस्टार होता है वो स्पेशल प्रिपरेशन करता है, ठीक है। वो जो लास्ट इंस्टार है वो जो जनरल रेंज होती है ना इनके अंदर सॉयल में जाने की उससे थोड़ा सा डीप ये जो है अंदर बरो कर लेता है अपने आप को और वहाँ पर जो है एक अर्दन चैम्बर का कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। उसके लिए जो ये अपने जो जो सलाइवा होता है उसका भी इस्तेमाल करता है जिससे कि वो जो है जो अर्दन स्ट्रक्चर है जो अर्दन चैम्बर है वो टाइट बना रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो इसका पीपेशन होता है, ठीक है। और इसका जो पीपे की अगर हम बात करें तो पीपा हमारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है और लगभग 20 by 7 mm की जो है इसका जो है साइज होता है। और जो पीपल स्टेज है वो लगभग 10 से 30 दिन तक जो है हमारी स्टे करती है, यानी कि पीपल स्टेज या पीपल पीरियड जो है इसका 10 से 30 दिन होता है। अगर हम एडल्ट की बात करें तो इसकी जो एडल्ट मौत होती है वो ब्राउन इन कलर होती है और जिसका साइज होता है 25 into 7 mm और इनका जो विंग स्पेंस होता है वो 40 से 50 mm होता है। अगर मेल एंड फीमेल की बात करें तो जो मेल होते हैं मेल के अंदर बाइपेक्टिनेट एंटीना पाए जाते हैं जबकि फीमेल के अंदर फिलीफॉर्म एंटीना देखने को मिलता है, ठीक है। अगर फोर विंग की बात करें तो इनके जो फोर विंग्स होते हैं वो डर्टी वाइट कलर के होते हैं और जिन पे जो है डर्टी ब्राउन स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जबकि जो इनके जो हैंड विंग होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं और इनके जो टर्मिनल एंड ऑफ एब्डोमेन है वहाँ पर आपको जो है टफ्ट ऑफ हेयर्स देखने को मिलता है। अगर हम इसके कंट्रोल की बात करें तो इनको हम जो है कई तरीके से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि हम इनको जो है लाइट ट्रैप्स की तरफ अट्रैक्ट करें उनके बाद जो है उनको जो है किल कर दें या हैंड पिकिंग मेथड से हम जहाँ कहीं भी हमें प्रॉपर जो है लार्वा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अगर इनिशियल स्टेज में कम है लार्वा वहाँ पर हम उनको जो है हैंड पिकिंग करके जो है उनको जो है किल कर सकते हैं या उनको जो है जमीन में दबा सकते हैं फर्स्ट स्टेज लार्वा को, ठीक है। और जो फ्लडिंग ऑफ फील्ड यानी कि इसमें जो है फील्ड के अंदर जो है बहुत सारा पानी भर दिया जाता है उस तरीके से भी बहुत सारे कैटरपिलर्स को किल किया जा सकता है, ठीक
ठीक है। और इसके अलावा अगर हम डस्टिंग कर दें मिथाइल पैराथियन की 2% डस्ट की जो है 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से, वो भी बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा जो हेप्टाक्लोर 34 की डस्टिंग करें हम 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से, या लिंडेन 2% डस्ट की भी हम 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हैं यहाँ पर डस्टिंग कर सकते हैं। बीएससी एंड एल्ड्रिन डस्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ट्यूबर क्रॉप्स के अंदर। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा जो है इसमें कि इनमें से हम कुछ जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको हम स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे में क्विनलफॉस 25 EC 3.5 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से, या गामा बीएससी 20 EC 3.75 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से, या क्लोर पायरीफॉस 20 EC 3.5 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से हम इसका जो है इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम नेचुरल एनिमीज की बात करें तो तीन जो हमारी ये वास्प हैं, ठीक है ना, वो एज ए लार्वल पैराफाइट की वर्क करती हैं, जैसे कि पहली हमारी ब्रैकोनिस वास्प हैं, अपेंटल्स स्पीशीज और माइक्रो ब्रैकोनिस स्पीशीज, ये हमारे हैं इनके नेचुरल एनिमीज हैं। थैंक यू वेरी मच।